दुनिया बजट की बाजी से 2019 में विजय। नमस्कार, ताल ठोक के मौत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और देखिए, ये बजट बाजार सी न्यूज की तरफ से तैयार किया गया है, क्योंकि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ औपचारिक शुरुआत बजट सत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संकल्प, नए भारत के संकल्प को दोहराया गया। आज आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से रफाल से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, जीएसटी से लेकर नोटबंदी तक, उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम योजनाओं तक, मतलब हर तरह से नए भारत की नींव किस तरह से पिछले 5 सालों में रखी गई, उसकी बुनियाद, उसकी रिपोर्ट कार्ड आज दरअसल पेश करने की कोशिश की गई है। इन 5 साल, 4.5 सालों के दौरान, 4.5 सालों के दौरान किस तरह से नए भारत के संकल्प को पूरा किया गया, आज एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रेलर दिखाया गया। पूरी पिक्चर जो है वो कल रिलीज होने वाली है, यानी कि आज रिपोर्ट कार्ड पेश की गई है। क्या ये 2019 में ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो ट्रंप कार्ड साबित होगी? लेकिन ये बजट बाजार है, यानी कि इस बजट बाजार में हर एक का टाइम आएगा। क्या 2019 के बजट में अपना टाइम आएगा? देखिए, इस बजट बाजार की खास बात क्या है, मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। क्योंकि बजट को आप 6 लेंस के जरिए समझते हैं। आप ये देखते हैं कि इनमें युवाओं के लिए क्या है, आप ये देखते हैं इसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या है, आप देखते हैं किसानों के लिए क्या है। ये देखिए, ये टैक्स एक्सपर्ट हैं जो हमको बताएंगे कि भैया 2.5 लाख की छूट आयकर की बढ़कर 3 होगी, 3.5 होगी, 4 होगी, 4.5 होगी, 5 होगी। एटीसी में क्या वो 1.5 लाख का जो 2 लाख होगा नहीं होगा, वो मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को लग रहा है होगा। देखिए, ये नौकरी पेशा है, अब इनसे तो यही पूछा जाता है, हाउस दी जोश, वेरी लो। देखिए, अब लोग पूछ रहे हैं हाउस दी जोश की जगह हाउस दी जॉब्स, ये भी लोग पूछ रहे हैं। पहला नौकरी पेशा है, ये बताएंगे कि भैया इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जोश कितना हाई है, कितना लो है 4.5 सालों के दौरान। देखिए, ये यूथ है, युवा है, देश का युवा, इनकी क्या उम्मीदें हैं नौकरियों को लेकर, इसके अलावा सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, जीडीपी फैक्टर को लेकर, तमाम चीजें युवा बताएंगी। देखिए, ये होम मिनिस्टर्स हैं, वैसे तो होम मिनिस्टर एक है, लेकिन ये हर घर में होम मिनिस्टर्स होती हैं। ये गृहिणियां हैं, पारुल है मेरे साथ, और मेरे साथ एक और गृहिणी है, बताएंगी आपको कि भैया क्या देश की गृहिणियां हैं, उनका किचन का बजट या फिर और तमाम जो उनकी मांगे हैं वो कितनी। ये अब तक आपने देखे 1, 2, 3, 4 लेंस। पांचवा लेंस कारोबारी, बिजनेस सेक्टर, ये कॉरपोरेट घराने, बिजनेस से जो लोग हैं वो ये बताएंगे। जीएसटी आया, नोटबंदी आई, बहुत कॉरपोरेट किया, अब रिटर्न गिफ्ट का समय है ना भाई, कॉरपोरेट किया गया जीएसटी के समय, नोटबंदी के समय, तो बिजनेस सेक्टर को, कॉरपोरेट सेक्टर को क्या उम्मीद है। ये पांचवा लेंस, यानी कि टैक्स एक्सपर्ट, नौकरी पेशा, युवा, गृहिणी, कारोबारी और अर्थशास्त्री। आकाश जिंदल जी मुस्कुरा रहे हैं, आकाश जिंदल जी मुझे कह रहे थे कि ये अपीजमेंट बजट होने वाला है, मतलब ये लोक लुभावन बजट होगा, इसमें वोट ऑन अकाउंट वैसे इसको कहा जाता है, मतलब इनके हिसाब से वोट ऑन अकाउंट से वोट बढ़ाने की कोशिश होगी, दिल जीतने वाला बजट होगा। देखिए, किसान भाई भी हैं, कृषि क्षेत्र को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या नहीं है, किसान वर्ग क्या सोचता है, क्या उम्मीदें हैं, राकेश टिकैत साहब हैं, वो समझाएंगे हमको, बताएंगे कि क्या उम्मीदें हैं। इसके अलावा जफर इस्लाम साहब, क्योंकि पॉलिटिकल होगा ये, आपको समझना होगा। वैसे तो इसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, वैसे तो लेखा अनुदान कहा जाता है, लेकिन अंतरिम बजट है, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ अंतरिम होगा या कहीं आम बजट की तरह तो पेश नहीं कर दिया जाएगा, जफर इस्लाम साहब मुझे बताएंगे। विकास जी, विकास गुप्ता लॉयर हैं, वो मुझे बताएंगे। इसके अलावा देखिए, देश के जो प्रहरी हैं, जो सीमा पर जो तैनात है हमारे जवान, सेना, उनका बजट कितना होना चाहिए ये बताया गया। आजादी के बाद सबसे ज्यादा 2,94,000 करोड़ के आसपास, वो बताएंगे, समझाएंगे कि भाई वाकई में कितना फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो एजी विजयनी साहब है, अशोक मेहता जी हैं, आपका भी स्वागत है सर। तो इस तरीके से हम यहां समझने की कोशिश करेंगे बजट बाजार में कि क्या ये जो आज मोदी सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड पेश की गई है, क्या ये 2019 के लिहाज से ट्रंप कार्ड साबित होगी? 5 बड़े सवाल एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ पाए डिबेट किस लिहाज से होगी। सवाल नंबर 1, नए भारत के जोश से जीतेंगे 2019 में महाभारत, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से एन पहले ये अंतरिम बजट पेश हो रहा है। सवाल नंबर 2, 5 साल की रिपोर्ट कार्ड से जीतेंगे 2019 का रण। सवाल नंबर 3, 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जाना देश, 19 में फिर से जीतेंगे क्या देश। सवाल नंबर 4, जय जवान जय किसान और भ्रष्टाचार पर लगाम से 2019 फतह। और सवाल ये भी कि 2019 के बजट से अपना टाइम आएगा, अच्छे दिन का वादा किया था जफर इस्लाम साहब। पहला सवाल आप ही से, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है इसको, आकाश जिंदल जी मुझे कह रहे थे वोट ऑन अकाउंट
होगा नहीं होगा, लेकिन आप वोट बढ़ाने की कोशिश करेंगे इससे? देखिए, बजट अपने आप में जिस तरह से पेश होता है उसी तरह से पेश होगा। सरकार ने ऑलरेडी उसका उसकी टिप्पणी कर दी, लेकिन मैं दो तीन बातें कहूंगा। जो कि आपका सवाल देखा, आपका सवाल है करप्शन से रिलेटेड, बिल्कुल करप्शन खत्म हुआ है, इसलिए इस बार जो है जो 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 वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि लोटस या लूटस। जो लूट रहे गठबंधन वाले, वो जो पूरे ऑपोजिशन वाले जो इतने सारे लोगों ने लेटा है, तो उसको लोटस या लूटस। दूसरी बात, आपने बताया कि जो विजन है, यह विजन काम करेगा प्रधानमंत्री का या उनका गठबंधन का डिवीजन? सर, ये देश को देखना है कि देश की जनता को कि विजन जो प्रधानमंत्री ने विजन दिया है एक अच्छे देश के लिए, जो आज चरमराती इकोनॉमी 2013 में थी, आज वो दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में है, उसकी वजह जो है विजन है, और एक तरफ गठबंधन का डिवीजन है, तो देश की जनता वो भी देख रही है। विकास जी, लोटस लूटस विजन डिवीजन। देखिए अमन जी, जो 2014 में आप करप्शन के परसेप्शन पे जो आए थे, वो आज मुद्दा चलने वाला नहीं। और मैं तीन यहाँ जो वर्ग आपने बिठाए हैं, उन्हीं से सवाल पूछ सकते हैं। जिस किसान को 2014 में आने के बाद भी 1 किलो रुपए टमाटर मिलता था, और जिस गृहिणी को यहाँ घर में बैठकर के 30 रुपए किलो टमाटर मिला, 5 साल में भी वो नहीं कर पाए कि उस मिडिलमैन को या उस डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कम किया जाए कि किसान को 1 रुपए के टमाटर की लागत का 5 रुपए मिले और गृहिणी को 30 रुपए की जगह 15 रुपए मिले। से पहले क्या रेट था? नहीं नहीं, आप वो गलती नहीं, अमन अब अगर उनकी गलतियां गिनाओगे ना। ये सारे तो ये भी सोचेंगे भाई, 14 से पहले क्या रेट था, अभी क्या रेट है? आप अगर 14 से पहले ज्यादा था तो क्यों बदले? सवाल का सीधा जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। आज 5 साल की रिपोर्ट कार्ड, पहले क्या हुआ, तभी उनको 44 पे हम लेकर के आए और इन्हें 282 पे लेके गए। क्या अपनी गलतियों से क्या ये 44 पे आना चाहते हैं? ये निर्णय जबरदस्त मतलब लेना पड़ेगा। वो वाली बात नहीं कीजिए, मतलब उनसे तो उम्मीद नहीं है। कुछ दूसरी बात, युवाओं को पढ़ने के बाद भी, अभी आपके शो के दौरान मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ और मैंने आज भी युवाओं से बात की है, 4-4 लाख रुपए खर्च करने के बाद 2-2 साल के बाद वो कहते हैं हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है कि आगे आने। और तीसरी बात, एनएसएसओ की जो आप जिसको सरकार रिपोर्ट को दबाने की कोशिश कर रही है, पिछले 45 साल में 6.1% हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और 2012 में वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2%। क्योंकि मेरे को आगे भी जाना है। देखिए, मैं आपको बताते हैं, जो आप जो महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, आज आप देखो, दो बातें कहूंगा सिर्फ कि जब अगर इन्फ्लेशन या महंगाई दर जब बढ़ता है तो देश की जनता पे करती है, आम आदमी पे करता है। हमने महंगाई जो 10% से ज्यादा थी, डबल डिजिट को उसको नीचे कर दिया, 3-4% के नीचे है, तो ये मतलब देश की जनता के उतनी सेविंग है। दूसरी बात आपको एक और बताता हूं कि जहां तक एक मिनट, आप सुन लीजिए। अरे भाई, आप पेंशनर बैठे हैं, पूछिए कि अगर उनका पेंशन 10% आपको इन्फ्लेशन है और उनको 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इनके लिए घर हर बार इन्वेस्ट करके भी नेगेटिव है, आपको इन्वेस्ट करके भी नेगेटिव है, आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने कोशिश की है बराबर इस तरह के जो भी काम करे समाज के लिए, हर वर्गों के लिए काम किया, और हमने किया। चाहे अगर आप किसानों के बारे में बात करते हैं तो ये बोलते हैं 1 रुपए की चीज जो है 30 रुपए मिलती है। अरे भाई, आप ये समझना चाहिए कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उस पर हमने समाधान निकालने की कोशिश की। एक दिन में नहीं होता है। हमने देखे तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली बात कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो नहीं हुआ था। किसान भाई है, मैं उनको साधारण लैंग्वेज में बोलते हूँ कि अगर जब उत्पादन होता है तो उत्पादन को बेचने के लिए मंडी चाहिए, मंडी जो है इंटीग्रेटेड मंडी चाहिए, साथ साथ चाहिए आपको। अगर उसको एक टमाटर एक दिन एक हफ्ता रह सकता है, सपोज कि 3 दिन रहता है, तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तरीके चाहिए, तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वाटर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। एक मिसाल, चूंकि टमाटर का मिसाल लिया तो घर के गृहिणी बैठी हुई है, गृहिणी के सामने एक सवाल, एक 10 सेकंड किसानों की बात मैं ये कह रहा हूं कि आप टमाटर देखिए, आप एक हफ्ता रखिए सड़ जाएगा, लेकिन अगर टमाटर कोल्ड स्टोरेज रखिए तो 20 दिन उसकी लाइफ, और अगर उसको टमाटर प्यूरी बना दिए तो 3 साल लाइफ। तो ये चीज हमने करने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, समय लगता है, आगे आने वाले दिनों में खुशगवार माहौल रहेगा। राकेश टिकैत जी, मुझे याद है आप गाजीपुर के नीचे आपने वहां पर आंदोलन किया था, दिल्ली कूच करी थी, तब भी मेरी आपसे बात हुई थी जब मैं वहां पर 5 बजे के शो करने के लिए आया था। इतना ही काम हुआ है तो आप लोग हर दूसरे दिन धरना क्यों देना पड़ता है आपको? देखो, हालात तो बेहद ज्यादा खराब है किसान की, जितनी बता रहे हैं और जितनी यहाँ पे सोच होगी, इनको पता होगा
जो यहाँ पे गृहिणी बैठी हुई है, यहाँ पे उद्योगपति बैठे, युवा भी हैं, उससे भी ज्यादा हालात खराब है। आज से 30 और 40 साल पहले हालात ठीक थी गाँव की, लेकिन अब हालात ज्यादा स्थिति खराब है। टमाटर आज सड़कों पर फेंक रहा है, गन्ना, भाई हमने ये कहा है सरकारों को कि हमारा भी जो फसलें हैं जो हम बेचते हैं, खास करके वे फसलें जो सरकार ने जिसके रेट खुद तय करे हैं, उसको भी डिजिटल इंडिया से जोड़ दो। मतलब एक साल में कोई चीज उधार देता है, मतलब ये एक उम्मीद है आपकी कल के बजट से? आएगा नहीं, उम्मीद तो है ना? उम्मीद है, हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। भाई फसल उन्होंने तय करी, मंडी उन्होंने तय करी, आढ़तियों को लाइसेंस उन्होंने दिए, तो हमने फसल दे दी, हमारा पैसा ट्रांसफर साथ के साथ हो जाए। एक एक साल तक हमारा पैसा नहीं मिलता, मतलब ये दुर्भाग्य है देश का। किसान यहाँ से उसमें आगरे में किसान अपना आलू बेचता है 1 रुपया किलो, वो दिल्ली में आते आते 300 किलोमीटर पे वो हो जाता है 20 रुपया किलो, जो बीच का डिफरेंस है ये कहां जाता है? ये पूर्ण रूप से किसानों की हालात ज्यादा खराब है। भी डिजिटल इंडिया को लागू किया, लागू करा जाए, क्यों नहीं करा जाए? पेमेंट भी हो जाए। देखो ये क्या है कि जो आज देश में क्या चल रहा है वो मैं बता देता हूँ सबको। आज देश में चल रहा है कि मुझे वोट कैसे मिलेगी, सिर्फ एक ही पॉलिसी पे देश में काम हो रहा है, और कोई विकास पे काम नहीं हो रहा, कोई युवाओं पे काम नहीं हो रहा, कोई महिलाओं पे काम नहीं हो रहा, अगर कोई काम नहीं। दाम मिल जाता है, वोट मिलने मिले, आपको क्या फर्क पड़ता है? हमारे युवा भी तो हमारे ही है, गाँव से 70% लोग हमारे आते हैं बच्चे, उनको भी मिलना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए। तो शायद इनके जफर इस्लाम साहब, एक बार जल्दी जल्दी पहले रिएक्शन ले, उसके बाद आपके पास आऊंगा। पहले एजी बिजैनी साहब मुझे बताइए, आप मुझे 2,94,000 का बजट, रक्षा बजट, ये बताया गया आजाद भारत का सबसे बड़ा बजट, तो फिर डिफेंस सेक्टर के लिए तो ओआरओपी का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर रैली में, रक्षा क्षेत्र के लिए किस तरह से काम किया मोदी सरकार ने, तो 4.5 साल के काम से संतुष्ट ओआरओपी को लेकर, खासकर अमन अभी जफर साहब ने कुछ जुमले मारे के लूटा सेंड लोटा सेंड विजन एंड डिविजन, तो मैं जुमले तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक विद्वान की जो उसने कहा था वो कहूंगा के आपको आपको पॉलिटिशियन एक जो विद्वान ने कहा था, एक जो विद्वान ने कहा था कि आपको पॉलिटिशियन वो मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो, क्यों? क्योंकि आप उनके लिए वोट करते हैं। आपको दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि सिक्योरिटी वो मिलेगी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। अच्छी नेशनल सिक्योरिटी के लिए देश को पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सर किया, तो नहीं किया? हाँ, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, मैं 3 बार बोलता हूं उसको। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे पास जो फिगर है 2,94,000 करोड़, मैं अमन इसमें आ रहा हूं, 2,94,000 करोड़, तो पिछले बार 2,072 था, अगले साल मान लीजिए दूसरी कोई गवर्नमेंट आती तो 3,00,000 करोड़ हो जाएगा, वो गवर्नमेंट बोलेगी जी हमने सबसे ज्यादा किया। कभी भी डिफेंस बजट आपके करोड़ों में नहीं गिना जाता, प्लीज अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ डिफेंस बजटिंग। डिफेंस बजटिंग वर्ल्ड ओवर हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी में गिना जाता है। ऐसे भी देश है जो कि 8%, 9%, 10% करते हैं, अरे पाकिस्तान तक 7% करता आएगा, चाइना 9% करता है, और खैर अमेरिका वगैरह की जीडीपी भी बहुत हाई है उनकी, तो उनका परसेंटेज तो बहुत ज्यादा है। हमारा लास्ट टाइम का बजट अमन 1.46%, जो कि 1950 से लेके आज तक सबसे लोएस्ट डिफेंस बजट था। यह बात मानी गई है गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट, ये एक औसत नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको 3% खर्च करना लाजमी है। यह बात और है कि किसी सर 30 सेकंड और लो, ये बात और है कि किसी भी गवर्नमेंट ने 3% नहीं दिया, लेकिन 2.6, 2.4, 2.2, 1.46% ऑफ जीडीपी, ऑफ जीडीपी मिला है, ठीक मिला है। रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, लेकिन 1.46% रिटायर्ड मेजर जनरल, यू कैन डू नो मॉडर्नाइजेशन, नो डिफेंस अशोक मेहता, अशोक, लेकिन फिगर्स तो ऐसे पेश की जाती है कि आजाद भारत के बाद सबसे बड़ा बजट था, 2,94,000 करोड़, लगभग 3,00,000 करोड़ का डिफेंस बजट। हम ये भूल रहे हैं कि ये जो पैसा जो आप फिगर्स कोट करते हैं, इस ये पैसा पेर पे जो सैलरीज हैं और जो ओआरओपी का जो अकाउंट है, क्योंकि सरकार ने जो अभी मोदी सरकार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो कहते हैं कि ओआरओपी, ओआरओपी एक जगह पर है, मॉडर्नाइजेशन
मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल बजट को आप देखें तो कैपिटल बजट घटता आ रहा है, और घटता आ रहा है का मतलब है कि जो पैसा आपको चाहिए हथियारों के लिए, नए हथियारों के लिए, अपग्रेड करने के लिए, वो पैसा नहीं आ रहा। अमूमा अभी देखिए, अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारे देश में, एचएएल, अब एचएएल इस हालत में पहुंच गया है कि वो अपने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे। नहीं सर, फिर ये लोग पूछते हैं कि ये 4.5 साल में हुआ है। सुनिए, तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो एयरफोर्स को बजट दिया गया था उस बजट में से उनके पास पैसा नहीं है। 90% जो कैपिटल अकाउंट आप देखते हैं वो 90% पिछले साल का जो कमिटमेंट है। ठीक, अच्छा जफर इस्लाम साहब, फिर ज्यादा विंडो तो आपके पास ओपन भी नहीं, क्योंकि ये तो वोट ऑन अकाउंट है, ये तो अंतरिम बजट है। मैं तो दो तीन बातें कहूंगा। देखिए, जो बजट जो होता है, बजट जो है उसमें जो 53-54% तो वैसे भी फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, आपको मनुवरिंग के लिए बस वो 45-47% ही रहता है, बाकी तो आपका फिक्स कॉस्ट उसको आपको मिल रही है। हमने फिर भी कोशिश की है, पिछले 5 सालों के अगर आंकड़े उठा के देखे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कम करने की कोशिश की है, और हमने जो कैपेक्स है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसको हमने मेंटेन किया 1.8% ऑफ जीडीपी। दूसरी बात, अगर आप जीडीपी का साइज देखिए तो आज हमारा 2.6 ट्रिलियन जीडीपी है, जो साइज बड़ा है, और उस वक्त के जीडीपी को अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में देखिए तो हमने बजट बहुत बड़ा है हमारा, जो एब्सोल्यूट अमाउंट में सकते। प्लस अगर हम पूरा चीज अगर एक ही जगह लगा दें तो ये आप जो सारे देश के लोग हैं उनके लिए क्या, आप जो आयुष्मान भारत है, क्या वो गरीब नागरिक के लिए कुछ नहीं करेंगे? मतलब तो आपके खजाना अभी इतना नहीं है कि अभी रियायतें दीजिए, आप लोग इस तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम सब रियायतें देना मुश्किल है। हमने कोशिश की है कि हर वर्ग के लिए पैसा बढ़ा के एब्सोल्यूट अमाउंट में बढ़ा के दिया है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप अगर देखेंगे तो मार्जिनली, मतलब फिर आकाश जिंदल, जब पैसा नहीं है तो फिर लोक लुभावन कैसे होगा? आप कह रहे थे अपीजमेंट होगी या जनता को खुश करने वाला होगा, जब पैसा नहीं है तो फिर ये लोक लुभावन कैसे होगा? बड़ा सही आपने प्रश्न पूछा। पहले तो इकोनॉमी की सही तस्वीर सबके सामने पेश कर दूं। जीडीपी ग्रोथ आज हमारा 7.6% से ऊपर चल रहा है, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी जितनी बड़ी इकोनॉमीज है उनसे फास्ट हम ग्रो कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 77th रैंक में हम पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी फ्रांस को पछाड़ के, हाँ ऑलरेडी हम बन चुके हैं, 5th हम बनने वाले हैं। 2.6 ट्रिलियन बिल्कुल सही डाटा दे रहे। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गरीबों की सेवा में, पॉवर्टी एलिवेशन में, पॉवर्टी एलिवेशन में काफी आगे आए हैं हम। अभी ग्लोबल रिपोर्ट आई है, महज 5 करोड़ लोग ऐसे रह गए हैं हमारे भाई बहन जो बेहद पॉवर्टी जो है उसमें है। लेकिन आज की तारीख में रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज उतने नहीं है। आज मुझे जो संभावना है कि इनका अगर देसी भाषा इस्तेमाल करूं, ये लोग शायद सबको लड्डू बांटने का प्रयास करेंगे। देसी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कितने? बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत सही आपने पिन पॉइंट किया, लड्डू इनके पास है 5-6 लड्डू के सीकर जो हैं, और सबका हक है लड्डुओं का, वो है 14-15। तो ये करेंगे क्या, ये लड्डू छोटे करेंगे, ये जो है ना 5-6 लड्डुओं को 15 लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे संभावना लगती है। क्योंकि डेफिसिट 3.3 का टारगेट था, सच्ची बात यह है कि डेफिसिट इनका हाई जो है 6 के आसपास अभी है, डेफिसिट इनका जो है हाई है, 3.3 है ना टारगेट इनका, 3.3 था। तो जब डेफिसिट इतना है तो जाहिर सी बात है उतने लड्डू नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जाएगी। किसान भाइयों की आपने बात की, मेरे हिसाब से संभावना है कि डीबीटी की स्कीम इनके लिए बहुत बड़ा पैकेज आने की कल संभावना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए पैकेज आने की संभावना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो होगा क्या कि किसान भाइयों की इनपुट कॉस्ट, सीड्स, फर्टिलाइजर और जो एमएसपी से कम दाम मिलता है उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे भाव अंतर भुगतान योजना एमपी में थी, तो उस तरह से डीबीटी आएगी, ऐसी काफी संभावना है। तो सबके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि आज जीएसटी का जिक्र किया गया राष्ट्रपति के अभिभाषण में, आज नोटबंदी का जिक्र किया गया, तो मतलब आपने बहुत कॉर्पोरेट किया सरकार के साथ, अब आपको रिटर्न गिफ्ट का टाइम है। नहीं अमन, मेरा पहले, मैं इसमें कुछ चीजें और कहना भी चाहूंगा साथ में, कॉर्पोरेट की बात बाद में करता हूँ। सबसे पहली बात यह कि जब भी बजट की बात होती है हम सब बोलते हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारे सेक्टर को मिलना चाहिए।
मैं कभी ये समझ नहीं पाया आज तक कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन टू जीडीपी का रेशो है वो करीबन 16-17% है, वो बहुत लो है, जिसका मतलब ये है कि टैक्स नेट से ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं। उसमें हमारे पास कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसा आता है 20 लाख करोड़ के करीब, जिसके ऊपर बजट बनता है, घर के बजट की तरह है। जब घर में जितना पैसा आता है उसमें से कुछ कुछ हिस्सा सब जगह बांटा जाता है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि एक एक सेक्टर अगर ये बात करता है कि मेरे पे 2% ज्यादा होना चाहिए और 1% कम होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है। तो पहली बात यह कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4-4.5 साल से बहुत स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा है, और मैं बहुत सारे उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रहा है मेरे ख्याल से 7.6 अगर जीडीपी बिल्कुल, है बिल्कुल एग्जैक्टली तो 7.6% जीडीपी है, और फास्टेस्ट, जैसा कि ये भी कह रहे थे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और ये बहुत अच्छी तरह ग्राउंड लेवल पे भी। लेकिन अब मैं एक बार जो टैक्स एक्सपर्ट है मैं एक बार वहां चला जाता हूं पहले। लेकिन अगर वो कह रहे हैं जीडीपी 7.6 है, वो कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा हम लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रांस को पछाड़कर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर भारत है, तो मिडिल क्लास के हाथ में क्या है? टैक्स एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं? 2.5 का 3, 3 का 3.5, आपका काम कम होने वाला है, बढ़ने वाला है? देखिए, हमारा काम कम और बढ़ने से कोई मतलब नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि मिडिल क्लास को क्या जाता है, स्पेशली सैलरी क्लास को, जो अर्थशास्त्री हमारे बता रहे हैं कि डेफिसिट ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो इलेक्शन बहुत सर पे है आपके, और मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा नंबर है। वहां पे गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा दे पाए, लेकिन दिक्कत यह है कि बुक्स में पैसे है नहीं। मतलब पैसे है नहीं, देंगे कैसे? वो बेसिक है, जितना पैसा होगा खर्चा वही कर पाएंगे या किसी तरह का बेनिफिट दे पाएंगे। मतलब आप एक चीज बता रहे हैं, एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। आप एक चीज बता रहे हैं, आपका नाम हिमांशु है, हिमांशु आप एक चीज बता रहे हैं कि जो आयकर छूट है वो 2.5 की 3.5-4 तक हो सकती है, 5 तक हो सकती है, 5 तक हो सकती। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने अभी जो 5 लाख का मतलब तो मतलब 2.5 लाख सीधा सीधा, उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने जो अभी सवर्णों के लिए जो आरक्षण लेके आए उसमें जो बेस लिमिट दी गई है वो एक इंडिकेशन है। अगर आप उस बेस लिमिट को देखें तो 8 लाख की बात की गई। अच्छा, मैं ले लेता हूँ, जफर इस्लाम साहब वो बता रहे हैं 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया उसमें 8 लाख तक को गरीब माना गया, तो वो कह रहे हैं वो हिंट है एक तरीके से कि आप आयकर छूट जो है, यहाँ सब सुनना चाहेंगे, आप आयकर छूट गई 2.5 की 5, वो इशारा किया कि भाई 5 लाख या 6 लाख तक कर सकते हैं। देखिए, वो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन के लिए डिफाइंड था, वो स्टेट को आजादी है कि वो 5 लाख रखे, 3 लाख रखे या 8 लाख रखे, वो स्टेट को आजादी, हर स्टेट को आजादी है कि मैं आयकर छूट कह रहा हूं। लेकिन जहां तक आप आयकर से मिला रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं कैसे बजट से पहले कुछ इस तरह की टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन ये जरूर है, पिछली बार भी नहीं बढ़ाया, नहीं ये जरूर है, ये जरूर है, हो जाएगा 3.5-3.5, ये जरूर है कि हमारी कोशिश, सरकार की कोशिश है कि जैसा मैंने पहले कहा कि हम मिडिल क्लास के लिए भी उतने ही चिंतित हैं जितना मैं। नहीं, आकाश जिंदल कह रहे हैं आपके पास लड्डू है ही नहीं बांटेंगे कैसे, इसलिए कहा, अरे लड्डू नहीं है आपके पास सर, जब हमने है या नहीं है? नहीं, हमने जब डीमोनेटाइजेशन किया तो इसी पर्पज से किया था कि टैक्स बेस बढ़े, और टैक्स बेस बढ़ रहा है तो हमारा टैक्स कलेक्शन ही बढ़ रहा है, परसेंटेज जो जीडीपी जो है आज कम है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा है। अच्छा, एक चीज है, एक चीज आपके लिए भी जाननी जरूरी है, जो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से जिक्र किया गया, मैं अगर आप अगर मुझे बता पाए, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिक्र किया, जिसका जिक्र जफर इस्लाम कर रहे थे, कि टैक्स नेट बढ़ा है, टैक्स देने वाले लोग बढ़े हैं, जो शायद 3.5 करोड़ के आसपास थे वो 6 करोड़ हो गए, तो इस लिहाज से तो सरकार की जेब में पैसा गया है भाई। देखिए, 2004 से लेकर 2014 तक इंडिया में कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, बैंक्स सारे जो हैं उनका यूटिलाइज जो है रॉन्ग वे में हुआ, और आज 2014 से 18 गवर्नमेंट और बिजनेसमैन सब फाइटिंग कर रहे हैं कि बैंक्स ठीक हो जाए, लोन्स टाइम पे मिल जाए, अच्छी इंटरेस्ट रेट्स में मिल जाए, जरूर से वोट नहीं मिलेगा ना, लेकिन वो नहीं हो पाया। ओके, बिकॉज जो हाल 2004 से 14 में हुआ था वो मतलब कि इट विल टेक 2 more years जी टू गेट ओके। रिगार्डिंग द टैक्स कलेक्शन, जीएसटी का जो गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया, ये देश के लिए और यंग जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए इट इज़ अ बून। मतलब कि आज हमारी इकोनॉमी ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है, पहले ग्रे में थी। तो मैं भी तो इसलिए जितेन आपसे यही मैं अभी पहले पूछ रहा था कि भाई बहुत कॉर्पोरेट किया, जीएसटी में कॉर्पोरेट किया, नोटबंदी में कॉर्पोरेट किया, अब तो रिटर्न गिफ्ट का समय है ना, 4.5 साल लाइनों में लगे नोटबंदी में, जीएसटी में इतनी बार, अब तो वैसे कई एक्सेप्शन की गई है, 20 लाख का 40 लाख कर दिया गया है, अब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा।
नहीं देखिए इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अच्छा, पहले हाउस जोश मैं पूछ रहा हूँ वेयर आर द जॉब्स अच्छा जोश इज हाई बट वेयर आर द जॉब्स और इसमें कोई किसी के ऊपर तीखा टिप्पणी नहीं है अब जब ये सरकार आई तो दो काम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे किए गए पहला आपने कहा कि स्टार्टअप इंडिया आप चाहते थे कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है भारत ये मिस ना कर जाए हम पहले और दूसरे और तीसरे रेवोल्यूशन को गुलामी के कारण शायद नहीं कर पाए पर चौथा रेवोल्यूशन क्योंकि ये था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आएगा शायद भारत इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा तो आपने कहा कि स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया हमारे लीड कैंपेन्स होंगे अब आप देखिए स्टार्टअप्स के लिए आपने स्टार्टअप्स बहुत सारे खड़े कर दिए फंड्स भी मुहैया कराए पर इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं था किसान आत्महत्या कर रहे हैं बिकॉज प्रिसीजन फार्मिंग आज भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है क्या आपने किसी स्टार्टअप को जिसने रूरल सेक्टर के ऊपर काम किया आपने कोई इंसेंटिवाइज किया कुछ बेनिफिट दिए हो आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर स्टार्टअप को एक फंड के रोज जो ईमेल आते हैं उसके अलावा किसी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बेनिफिट या बजट बेनिफिट नहीं है दूसरी बात आपने कहा कि हम घर घर के अंदर गैस और रोशनी पहुंचा रहे हैं हर पंचायत को ऑप्टिक फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है और इसके लिए मैं आपकी ओपनिंग के ऊपर आता हूं आपके लिए भी एक मेरा सजेशन है आपने कहा कि मेरे बाजू में जो गृहणियां बैठी हैं ये जो होम मिनिस्टर हैं ये इनको घर चलाना है ऐसा नहीं है सरकार की इसी सोच के अंदर कमी है जब आप 50% आबादी को आप सोचेंगे सिर्फ किचन और चूल्हा चक्की चलाएंगे ये बिजनेस नहीं चला सकती यहीं पे हिंदुस्तान फेल हो रहा है हर इकोनॉमी जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पे ये 50% जो सेक्टर है ये होम मिनिस्टर जो है इनके प्राइम मिनिस्टर बनने का समय आ गया वुमन एंपावरमेंट और वुमन बिजनेस का समय आ गया सर मैं आपको वहां नहीं बिठा सकता तो नहीं नहीं मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनके ऊपर भी अब कुछ नहीं है कहीं अगर आपने वुमन एंपावरमेंट को अगर जॉब्स के लिए आपने कहा था वो अगर गृहणियां हैं तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बेहतरीन कर रही है मैं पारुल को जानता हूं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये प्रोफेसर इन एमिटी यूनिवर्सिटी दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम मैं वही कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको मैं कहीं अंडरमाइन कर रहा हूं बट मैं आपको यहां बिठा नहीं सकता तो मेरा गृहणी की जगह मैं गृहणी को बिठाऊंगा हमसे बहुत ऊपर है ये हमसे बहुत ऊपर है मैं जगह जननी तीसरी कमेंट एक अब जो जॉब्स के ऊपर बात आती है आप देखिए कोई भी स्टार्टअप या कोई भी एमएसएमई सेक्टर के अंदर जिसके अंदर आपको उम्मीद थी कि बहुत सारी जॉब्स यहां से क्रिएट होंगी हिंदुस्तान के अंदर वो जॉब क्रिएशन कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है बिकॉज जो रिस्क एपेटाइट था कहीं आपने सोशल सिक्योरिटी ना तो अपने फार्मर्स को दी ना स्टार्टअप्स को दी स्टार्टअप बनाना बहुत आसान है सब सपने देखते हैं पर जब स्टार्टअप फेल होगा तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी मैं बोलना चाहूंगा मेरा फील्ड है थैंक यू पहले जफर मैं पारुल आपके पास आ रहा हूं पहले जफर इस्लाम वो कह रहे हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है वो कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने अच्छा किया है वो कह रहे हैं स्टार्टअप इंडिया योजना आपने शुरू कर दी लेकिन उसका इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है वो हां बताइए पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप अगर कहीं जो सेटअप हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में हो रहे हैं ये इनकी जानकारी के लिए बताता हूँ पूरे दुनिया से जो नए जो स्टार्टअप जो इनिशिएटिव लेने के लिए अगर आ रहे हैं तो वो शॉप अपने यहाँ कर रहे हैं आप देखिए स्टार्ट अभी आप अगर दो तीन आंकड़े में बताता हूँ ये शायद पब्लिक डोमेन में है भी नहीं है मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूर होगा एनालिसिस के तौर पर कि आप FDI तो देखिए जो आप देखते हैं जैसे कार चलती है क्विड करके एक नई कार आई है आप देखिए यहाँ पर उसका सेटअप हुआ हमारी सरकार आने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ सेटअप हुआ पूरे 67 कंट्रीज में वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है तो कई ऐसी चीजें हुई आप जी जैसे फॉर इंस्टेंस जी बड़ी कंपनी चाइना में उसका पूरा ये था जो जो उसका मेडिकल इसका इंस्ट्रूमेंट जो बनाती थी उसका पूरा लॉक स्टॉक बैरल यहाँ पर शिफ्ट करके वहां पर इन्होंने शुरू कर दिया तो हम ये कह रहे हैं कि आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जितना FDI हिंदुस्तान में आया जितना जो स्टार्टअप जो में जितना फंड यहाँ आया और जितने स्टार्टअप शॉप्स यहाँ हुए हैं शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं और ये जफर जी आपकी अपनी सरकार ये कहती है कि बड़ी कंपनी नई कंपनी लगाती है तो स्टार्टअप में काउंट नहीं होता और अलग अलग बातें आपकी अपनी सरकार छोटी कंपनी बनाएगा उसकी सब्सिडियरी कंपनी स्टार्टअप नहीं है मैं दोनों चूंकि समय समय कम के वजह से मैं दोनों बातें एक साथ कह दी चूंकि समय कम मैंने कहा स्टार्टअप और जो जो FDI के बारे में दोनों मैंने कहा कि दोनों चीजों में सबसे ज्यादा दुनिया में अगर जो है पैनापन जो है हिंदुस्तान में और वहां पर दूसरी एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक जो चूंकि आपने किसान के बारे में भी कहा था मैं इनके बारे में इन्होंने चूंकि इनपुट कॉस्ट के बारे में कहा आप देखिए आप 2004 से सिंपल स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं मैं कोई पार्टी वार्टी का नहीं आप स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे 2004 से 2014 के बीच में जो आप वेटेड एवरेज जो आप इन्फ्लेशन देख लीजिए कितना परसेंट था उसका आपके पास आंकड़े है UPA ने दिए हैं और आप देखिए कि आप जो इनका जो इनको जो MSP दिया है उसका वेटेड एवरेज निकाल दीजिए आपको वहां पर ही डिफरेंस जो है 5% का लेकिन अगर यूपीए से तुलना होगी मैं तो कह रहा हूँ आपको नुकसान ही नुकसान था लेकिन हमने जो इन्फ्लेशन कम किया और बात हुई है
स्वामीनाथन 2006 से स्वामीनाथन बताइए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? सर आप कांग्रेस पार्टी 8 साल 9 साल तक बैठे तो लागू किया एक बात कही आपने, पूछा बड़ा अच्छा सवाल कि क्या इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक हो सकती है। मेरे साथ मेरे मित्र रोज इकोनॉमी की डिबेट्स करते हैं, इनको अच्छे से पता है कि आज सरकार के पास वो सिचुएशन है ही नहीं है कि 5 लाख तक हो सके। ये कह रहे हैं कि हाँ कल देखा जाएगा। कितनी हो सकती है? मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है 3 लाख जो है हो सकती है, और महिलाओं के लिए 3.25 लाख होने की जो है गुंजाइश है, बुजुर्गों के साथ। और एक और चीज, जॉब पे 10 सेकंड में बोलना चाहूंगा, जॉब्स का हुआ क्या है, थोड़ा सा अनफेयर टारगेटिंग हो रही है, जॉब्स इन्होंने दी हैं, लेकिन दूसरा एंगल इग्नोर हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सपोजर इतना ज्यादा होता जा रहा है, जितनी जॉब जनरेट हो रही है उससे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो क्रिटिसिज्म इनकी थोड़ी जरूरत से ज्यादा हो रही है। जॉब्स इन्होंने जनरेट की हैं बट पॉपुलेशन आउटपेस कर रही है उसको, तो कहीं ना कहीं एक चीज मैं उठाना चाहूंगा, हमें दोबारा पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है चेक करना पड़ेगा। हाउसवाइफ भी हूं, प्रोफेशनल भी हूं, मैं प्रोफेशनल भी हूं, मैं हाउसवाइफ भी हूं, मैं एक मदर भी हूं, मैं एक वाइफ भी हूं, मैं एक डॉटर इन लॉ भी हूं और एक डॉटर भी हूं, तो मेरे साथ जो समस्याएं जुड़ी हैं वो तो मेरी समस्या तो है ही है, मेरे साथ जो तमाम मेरे सदस्य हैं घर के उनकी जो समस्याएं हैं वो भी मेरी समस्या है। तो मैं अपनी सबसे पहले शुरू करूंगी एज अ हाउसवाइफ, जो इतने सालों में इतने ये आप उसमें दाल का रेट ले लीजिए, सब्जियों का रेट ले लीजिए, चाहे आप दूध ले लीजिए, चाहे आप चावल ले लीजिए, सबके रेट हर साल मैंने बढ़ते ही देखे हैं, घटौती किसी चीज में नहीं हुई। और अगर आप दूसरे एस्पेक्ट से, मैं एक सर्विस क्लास को बिलोंग करती हूँ, सर्विस क्लास होने के नाते जो मेरे हस्बैंड है, मेरा एक सेट बजट है जिसको मेरे को ध्यान में रखते हुए अपने घर का सारा चलाना होता है। 5 साल में बजट बिगड़ा या खराब हुआ? बिल्कुल बिगड़ा है मेरा, तो बिल्कुल बिगड़ा है। ठीक है, और अपार्ट दैट, भारती जी आपका बजट बिगड़ा है या ठीक? जफर भाई एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में रिएक्शन ले लो। आपका बजट बिगड़ा या ठीक हुआ? बिगड़ा, बजट बिगड़ा नहीं बिगड़ा ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि भाई बजट इतना अच्छा आना चाहिए कि हर एक जो हाउस मेकर है वो यही कहे कि इस बार का बजट इतना अच्छा है, दिल से कहे कि वाह क्या बजट है। ठीक है, और ये कम बेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं भी एक अपना कंपनी चलाती हूँ, मेरा खुद का एनजीओ है, लेकिन पहले तो मैं हाउस मेकर ही हूँ ना, मैं कुछ भी कर लूँ तो मुझे तो घर तो संभालना ही संभालना है। ठीक है, तो जो चीज है उसमें तभी मतलब सरकार बजट बिगड़ा, अच्छा हुआ, खराब हुआ, नहीं बजट पर क्या फर्क पड़ा? बजट तो बिगड़ा ही है, देखिए सब बिगड़ा है। सब मैं इसलिए तो राय ले रहा हूँ ना, आप बताइए जफर इस्लाम साहब। जो बजट है चीजों में अगर रेट्स में अगर बढ़ोतरी आई है, तो दूसरे एस्पेक्ट से अगर देखें जो सैलरी जो इनकम क्लास ग्रुप है उसके जो आप सैलरीज इम्प्रोवाइजेशन की बात करते हैं उसमें कोई फिक्स्ड इंक्रीमेंट्स भी नहीं है, कोई बहुत हाइक नहीं है सैलरीज में, तो जब आप दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं हर साल आपका जो बजट है वो बिगड़ेगा। अपार्ट दैट ऑल्सो जब आप बींग अ मदर बात करते हैं, मैं एक माँ हूँ तो मैं अपने बच्चों की जो मैं अगर आप कहें कि मैं आज 200 रुपए किलो सेब खरीद रही हूं अपने बच्चे की परवरिश के लिए, तो आप ये देखिए कि जो भी किलो है भाई साहब, जो भी ये सेब कितने रुपए में दे रहे हो? 80 में आ रहा है पारुल जी, चलिए 80 में आ रहा है। आप ये बताएं ये सेब मैं इस क्वालिटी आई नहीं नहीं अमन जी, आई वांट टू आई सेब में My purpose is not the rate of the apple at this point of time. मैं जो बात कहना चाहती हूँ उसको आप समझिए कि जितनी तमाम चीजें बाजार में बिक रही हैं वो सब adulterated हैं। सरकार ने कभी इस बारे में सोचा है कि कोई quality test होना चाहिए कि कोई चीज जब market में आ रही है, भले ही वो घी है, भले ही वो दूध है, उसके बारे में यूनियन बजट कुछ तैयारी नहीं करता। हाउसमेकर्स के अच्छे दिन नहीं है। नहीं, मैं अपनी बहन से यह सिर्फ जानना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, माइक है आपके पास, बोलिए बोलिए। ये इनकी सैलरी तनख्वाह कितनी बढ़ी है तो इनको पता होगा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल इंडिया में पिछले 4 सालों में 4.5 सालों में जो सैलरी बढ़ी है उसका आंकड़ा आपके सामने होगा। एक्सेप्शन से आप एक दो को नहीं मैं ले सकता हूं, लेकिन जो जो पूरा ओवरऑल स्टैटिक्स है वो उस पर यही बताता है कि सबकी तनख्वाह बढ़ी है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो आप परोसते हैं खाना जो थाली में,
उसमें एक चीज का, आप जैसे दाल के दाम बढ़े थे तो आप घट के इतने नीचे हो गए हैं, हमारे सरकार ने उस दिशा में काम की, अभी ये कह रहे हैं टमाटर के दाम घटे, आप कह रहे हैं बढ़ गए, अब मतलब जाहिर है कि ओवरऑल दो बड़ी चीज बहन मैं आपको पूरे आप, नहीं 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 ठीक ठीक आप साल से नहीं नहीं आपको आपको दो चीजें तो जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, और आप भी जैसे आपने अपने बचपन में जो चीजें दो रुपये में खरीदी हुई आज अभी इस जमाने में नहीं, इसलिए कि इन्फ्लेशन होता है, आप जैसे से नहीं, लेकिन अच्छा एक चीज है, आप एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन हर चीज मैं आपको बिल्कुल प्रूफ करके देखोगे एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन हर चीज सस्ती हुई है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज है, एक चीज है, मतलब पारुल वहां पर भारतीय बता रही है कि भाई महंगाई बढ़ी है, जो घर का सामान है चीजें बढ़ी है, लेकिन सर फिगर्स कम दिखती है, इन्फ्लेशन रेट आकाश जिंदल जो पिछला दिसंबर का भी आंकड़ा है उसमें 3% के आसपास है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो इन्फ्लेशन रेट 3% के आसपास कैसे है? फिर देखिए एक सच्चाई ये है कि इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों में कम रहा है, चीजें महंगी हुई हैं इसके बारे में कोई दोहरा नहीं है, प्राइसेस हैव गॉन अप, बट जो चीजों के रेट बढ़ने का जो है तरीका है जितना रेट परसेंटेज है वो कम रहा है, तो इन्फ्लेशन के मामले में मेरे हिसाब से इनको घेरना सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कम रहा है, और इन्फ्लेशन एक चीज मैं अपनी बहन को बता दूं ग्लोबल फिनोमिना है, सारी दुनिया में अल्टीमेटली चीजें महंगी होती हैं क्योंकि स्केयरसिटी चीजों की हो रही है, नहीं फिर सैलरी भी बढ़नी चाहिए, सैलरी में जो है, सैलरी में जो है कहीं ना कहीं जो है अमन जी वहां एक चीज है, और एक चीज इसको इसको अमन एक 10 सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट, दिसंबर में पता चले था यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम आने वाली है, इनसे जरा पूछ तो ले कि वो आ रही है क्या, 5 से 7 लाख करोड़ वो कहां से, युवाओं की तरफ से एक सवाल है, राहुल नाम है मेरा सर, राहुल नाम है सवाल इनका, एक सवाल मेरा यह है कि युवाओं की दो बुनियादी जरूरतें होती हैं, एक पढ़ाई और दूसरा रोजगार, अगर हम 2018-19 का जो बजट आया उसको पिछले बजटों से अगर कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स और हायर एजुकेशन के ऊपर जो बजट था उसमें एक मेजर डिफरेंस था, तो ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आता है तो युवाओं को लुभाने के लिए बजट को बढ़ा दिया जाता है, तो सिर्फ युवाओं को लुभाने के लिए, और मैं तो कहूंगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या में युवाओं को अगर आपका फायदा हो रहा है तो क्या दिक्कत है सर, फायदा यह है कि केवल एक ही बार फायदा हो रहा है जब चुनाव हो रहा है, वो 5 साल तक क्यों नहीं कर रहा है, इसके मतलब वो सर सरकार की नियत पर वो सवाल है कि सिर्फ लुभाने के लिए, आपने जवाब ले लीजिए ना, अब आपने सवाल, राहुल जी को मेरे छोटे भाई उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए आपने एक साल का देखा कि आपका वेरिएशन क्या है, आप 5 साल का वेटेड एवरेज वेरिएशन भी देख लीजिए कि कितना है, दूसरी बात और पूरे एडजस्टेड पे जो जो आप जो जो ग्रो कर रहा है हमारा जीडीपी जिस तरह से कर रहे, तो आपको लगेगा हर साल एजुकेशन के मामले में और स्किल डेवलपमेंट जो नौकरी जिससे मिलती है सरकार ने बहुत बड़ा खर्चा किया, और किसके लिए किया, युवाओं के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिस तरह का हमने शुरू किया शायद दुनिया में इस तरह के स्किल डेवलपमेंट पर, और उसके दो बातें एक आंकड़े बताता हूँ, देखिए यूरोप में स्किल डेवलपमेंट ऐसा होता है कि 94% लोग स्किल डेवलप्ड होते हैं, जो स्किलफुल होते हैं उनको कोई ना कोई स्किल सेट होता है, हमारे देश में 1% मात्र था, अब आके आप जो है एक परसेंटेज बढ़ा है, हम ये नहीं कह रहे पूरे लोग स्किल्ड हो गए हैं, हमारे देश में भी बहुत दूर तक जाना है, लेकिन पिछले 4 सालों में जो किया हमने वो अपने आप पे काली बिल्ली सर, मेरा सवाल ये है सर सरकार से कि स्टार्टअप इंडिया के तहत जॉब तो क्रिएट हुई लेकिन सर उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कर रहे हैं, मतलब सर देखो भाई एक देखो अबे सरकार के पास अपने आप को सिक्योर कैसे समझे कि मतलब वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो सरकार के पास कई तरह की तकलीफें आती है, देखिए अब जैसे हमारी बहन थी इन्हें सैलरी बहुत चाहिए, अब पूरे दुनिया में से हिंदुस्तान अलग तो नहीं हो जाएगा, हिंदुस्तान भी उसी का पार्ट है, ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का पार्ट है, अगर आप बहुत सारे तनख्वाह चाहते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड, बिकॉज कोई भी कंपनी जैसे बहन हमारी चलाते हैं एनजीओ या कंपनी जो बोला उन्होंने उसमें खर्चे तो देखती होंगे ना बहन, आपके कितने आमदनी है और उतने खर्चे उसके हिसाब से तो मैनेज करती होंगी, घर ही नहीं ऑफिस तो वैसी, तो सरकार के पास भी यही दिक्कत होती है कि जितने जो टैक्स पेयर जो आप देखिए एक शहर है ऐसा हिंदुस्तान में नहीं लेता हूं वहां के लोगों के नाम जहां 1000 BMW कार है लेकिन सिर्फ 2 टैक्स पेयर है, क्या आप इसको चाहते हैं सरकार इस चीज को छोड़ दे, अगर हम उसके उस जगह पे अगर डिमोनेटाइजेशन करके उनको ला के खड़ा करते हैं तभी तो आपके लिए ज्यादा कुछ ठीक है। हाँ ठीक सुधीर अब आप बताइए, आप सैलरीड है, आप युवा है, क्या उम्मीद है आपकी बजट से कल को लेकर? सर देखिए जो टैक्सेबल जो इनकम है ठीक है उसमें ध्यान देना चाहिए, अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 5 लाख सैलरी है उसमें हम सेविंग भी करें, हम अपने घर के एक्सपेंसेस भी देखें, और फिर सडनली एक बजट आता है जिसमें हमें पता चलता है कि भाई हाँ 8 लाख वाले को आप आरक्षण भी दे रहे हैं, तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, ये चीजें समझ नहीं आती हैं एक नॉर्मल पर्सन को, तो उसके रिगार्डिंग क्या है किस तरीके से करनी है, मतलब ये आपने पहले भी जवाब दिया 8 लाख तक
अगर गरीब आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो 2.5 लाख से ऊपर वाला गरीब नहीं है इस हिसाब से। 8 लाख का ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, EWS का जो ऑलरेडी डेफिनेशन था सरकार के पास, जो पहले किसी और समाज समुदाय के लिए समाज के लिए था, सरकार ने वो उसी चीज को लाफिस किया है, लेकिन ये कहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि हर स्टेट अपने डेमोग्राफी को देख के। EWS का डेफिनेशन कहाँ था? 8 लाख? नहीं, 8 लाख का था, कहाँ पे था मुझे बता तो दे। सरकार ने, मेरा तो काम है ये। नहीं, जो जो EWS के डेफिनेशन, ओबीसी में क्रीमी लेयर थी 8 लाख। हाँ, 8 लाख वो अलग क्रीमी लेयर थी। EWS को आप कैसे यहाँ पर लागू किया? और ये कहा कि स्टेट को दिया ये फ्लेक्सिबिलिटी दे कि अपने हिसाब से उस डेमोग्राफी को देख के, जिस तरह की सिचुएशन को देख के अपने हिसाब से फिक्स कर दे, जो जो वहां के लिए चाहिए 3 लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, 5 लाख, वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलरेडी गुजरात ने 8 लाख कर दिए, हम कह रहे हैं अपने स्टेट किया आपकी स्टेट ने। अब स्टेट को अपने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकता, कोई स्टेट 2.5 लाख के कर दे तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी। मैं कह रहा हूँ कि इनकम पैरिटी देख के अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन मैं एक और इसमें मेरे ख्याल से ओबीसी में क्रीमी लेयर क्योंकि 8 लाख है इसलिए इसमें भी 8 लाख, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के स्टेट अपने हिसाब से करेंगे। हर स्टेट की सोचो, आप जैसे गुजरात सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है। अमन जी, मैं एक बात सर ने पूछी है तो एक मिनट। हाँ, मुझे एक चीज बताइए, आपने पूछा कि वहाँ 8 लाख, आप चाहते कितने हैं? 2.5 का 3, 3.5, 4 कितना चाहते हैं? 8 मत बोलिएगा। नहीं, नहीं सर, देखिए रीजनेबल है, ये डिपेंड करता है आपके डेमोग्राफी के ऊपर, इवन पर्सनल जो जिसके जो भी स्किल सेट है या जैसी वो जॉब कर रहे हैं, किस एरिया में है, उस सब पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेट वाइज होने की जगह अगर आप ये पर्सन वाइज करेंगे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन टैक्स नेट कितना चाह रहे हैं, कितना हो जाए, छूट कितनी? सी हू एम आई टू डिसाइड। आप चाहते भाई, मैं चाहता हूं 5 लाख हो जाए, इसमें क्या? मैं चाहता हूँ 5 लाख हो जाए। आप देखिए, चाहते तो 5 हो जाए, आयकर छूट इसमें क्या? ये तो आप कह ही सकते हैं। चाहते तो सर देखिए सारे ही, चाहते कितना है? 5 लाख, ये पॉसिबल है? आप तो टैक्स एक्सपर्ट है, आपका तो काम आधा हो जाएगा फिर। जो बात, मतलब मैं तो ये कहूंगा अगर 5 लाख तक की सैलरी वाले तो आएंगे नहीं फिर आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि नंबर भी तो बढ़ रहे हैं ना। मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा जिंदल साहब के लिए कि जो उन्होंने बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि लॉस में है, मामला है नहीं। उसमें गवर्नमेंट जो प्लान सुनने में आ रहा है, गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि एक तो एनपीए का बोझ भी बहुत हेवी है गवर्नमेंट पे, उसके लिए गवर्नमेंट अलग जूझ रही है। गवर्नमेंट हो सकता है कि एटीसी में कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करें जिसका इंपैक्ट कैश मार्केट से होगा, यानी कि आप कुछ किसी तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं एटीसी में 1.5 लाख जो है उसको बढ़ाकर 2 या 2.5 और उसमें इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आएंगे, लेकिन वो लॉक इन पीरियड के होंगे, यानी कि 3 साल 5 साल के लॉक इन होंगे, जो पैसा हो सकता है गवर्नमेंट एज ए वर्किंग कैपिटल बैंक के लिए यूज करे। और वो जब आप उसका नेट देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ कि जो लॉस का मामला होगा, क्योंकि अगर आज कैपिटल रेज करते तो उसका भी तो पैसा देना है। तो अगर हम वो पैसा मिडिल क्लास से लेके आते हैं, आकाश जी स्कोप है क्योंकि पैसे हैं नहीं है, क्योंकि हमने देखा 3-3.5 साल तो फिस्कल कंसोलिडेशन में निकला जी, 3-3.5 साल निकला कि फिस्कल कंसोलिडेशन 3.3 का टारगेट से जो है हम ज्यादा आएंगे, हम जो है जी डेफिसिट जो है ये संभावना है। फिर तो पैसा हुआ ना, फिर हम तो उस टारगेट को तो हमने लगभग अचीव किया। नहीं नहीं नहीं, उल्टा 3.3 से जितना कम होता उतना हमारे लिए बढ़िया था। मतलब 3.3 हमारा नुकसान था, तो नुकसान जितना कम होता उतना बढ़िया था। अगर 3.3 से ऊपर होगा तो नुकसान और बढ़ता जाएगा। मैं कह रहा हूं टारगेट की तरफ तो ठीक बढ़ रहे हैं ना उस दिशा में, जब 2014 में 4.6 था फिस्कल डेफिसिट। इसका भी जवाब दूंगा, बिल्कुल आपने बहुत सही चीज। देखिए इसमें क्या है कि आज की तारीख में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं इस पर बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी है कि डेफिसिट कितना होना चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में हम ज्यादा चल रहे हैं। तो इसलिए आज आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि आज इनकम टैक्स की ज्यादा कंसेशन इनके पास देने को नहीं है। लेकिन एक चीज ये कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अगर एटीसी में लाएं, जनता अपने पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जॉब्स आए, हाँ तो वो एक थोड़ी इनोवेशन और क्रिएटिविटी ये कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो चीजें करने की कोशिश की जाएगी। सिमिलरली हाउसिंग फाइनेंस के रीपेमेंट पे इंटरेस्ट कंपोनेंट पे भी जो है एग्जम्पशन देने की कोशिश, तो मुझे लगता है कुछ क्या ऐसा किया जाएगा, कुछ काम ऐसे किए जाएंगे जो बिना पैसे के हो सकते हैं, जनता के पैसे से जनता की तरक्की करने की कोशिश की जाएगी। और जॉब क्रिएशन के लिए भी आई थिंक यही 2-3 सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, इन चीजों के ऊपर अगर जोर दिया जाएगा तो वहां से जॉब क्रिएशन और होनी शुरू होगी। बाकी जॉब क्रिएशन, मैं बार बार ये कहता हूँ, इस बारे में बहुत डिबेट होती है क्योंकि मेरे बहुत सारे IIT के दोस्त हैं जो स्टार्टअप चलाते हैं और बड़ी अच्छी तरह चलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई ऐसी दिक्कत है। और जहां तक जॉब क्रिएशन का सवाल है या कम जॉब क्रिएशन का सवाल है, वो ग्लोबल फिनोमिना है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी जॉब्स को ले जा रही है, तो उसको आप किसी के सर नहीं मड़ सकते कि इस वजह से हो रहा है। पर आई थिंक प्रेजेंट डे में
व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि ये लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर और टूरिज्म के ऊपर अगर इन चीजों के ऊपर जोर देंगे इतना स्कोप तो है इन चीजों मैं तो ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ना स्कोप है उन चीजों में जफर इस्लाम साहब ये इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है ये तो अब तक जो कन्वेंशन रहा है वो तो अंतरिम बजट है तो आप तीन महीने का लेखा जोखा पेश करेंगे ना या नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे नहीं नहीं जब तक नई सरकार आएगी हाँ तीन महीने वही तो वोटों ना काउंट है जिसको लेखानुदान कहते हैं खर्चे चलाने के लिए हाँ कोई ऐसा वादा नहीं जिसकी जिम्मेदारी अगली सरकार पर हो मैं कुछ बातें एक मिनट हाँ बोलिए मत कीजिए प्लीज मैं एक थोड़ी दो मिनट आपसे लूंगा नहीं एक मिनट दो मिनट मुझे वहां जाना है ठीक है जाफर इस्लाम देखिए कुछ चीजें जो ऐतिहासिक चीज इस सरकार ने की है आप चाहिए उसका मुताला कीजिए पढ़ लीजिए मैं जो कह रहा हूँ जैसे रेलवे बजट था खत्म हुआ लेकिन रेलवे बजट हिस्टोरिक है जो हमने किया आप देखिए क्या किया हमने आज तक क्या होता था आपने सुखा न्यू लोकोमोटिव मतलब एक नई ट्रेन शुरू हो जाएगी उसी यही चलता था हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिशियन एक ही काम करता था कि हमारे गांव से एक नया ट्रेन नई ट्रेन चले हमने वो खत्म कर दिया इसलिए कि जो ट्रैक हमारे बिछे हुए थे वो ट्रैक में इतना कैपेसिटी नहीं थी आपको आदमी को 5 किलो 10 किलो लेकर चलने की ताकत है 50 किलो का बोझ तो आपको एक हर जगह कंजेशन था तो हमने एक बार डेविएशन लिया और डेविएशन जो ऐसा लिया कि हमने पूरा बजट जो है एलोकेशन किया कि हम उस तरह के रोड को क्लियर करेंगे नए ट्रैक बिछाएंगे और स्पीड बढ़ाएंगे अगर सिर्फ 40% 40 किलोमीटर एवरेज स्पीड से इंडियन रेलवे चलती है अगर 80 किलोमीटर से चलने लगे जो कैपेसिटी आज हम क्रिएट कर रहे हैं 200 किलोमीटर की 80 किलोमीटर से चले तो जो रेलवे का इनकम है वही अपने आप में डबल हो जाएगा और डबल पैसेंजर हो जाएगा सर, तो, मैं टॉपिक पे आऊंगा सर मेरा सवाल सुनिए उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा सवाल ये है सर जो उनको डर है कि दरअसल वोट ऑन अकाउंट की जो कन्वेंशन रही है जो तीन महीने का लेखा अनुदान होता है वो मेरे ख्याल से टूटने वाली है कल वो उनको ऐसा इंटरिम बजट सरकार ने कह दिया ऑलरेडी पुष्टि कर दी इंटरिम बजट होगा तो कोई बड़ी घोषणा बड़ा ऐलान बिल्कुल कुछ सरकार इस तरह की चीजें नहीं सरकार को आजादी है देखिए सरकार को ये पूरी आजादी दे रहे हैं नहीं सरकार को ये पूरी आजादी है नहीं नहीं सरकार को ये पूरी आजादी है कि अपने अपने कार्यकाल में जो बजट पेश करना है वो पेश करे जो जो देश के हित में हो देशवासी लेकिन विकास जी मेरे ख्याल से मैंने जितने भी अभी तक के बजट वोट ऑन अकाउंट में डायरेक्ट टैक्सेस को नहीं छेड़ा गया शायद अमर जी बिल्कुल नहीं छेड़ा गया बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि वो फाइनेंस बिल है और उसको आफ्टर अ डिबेट फिर पार्लियामेंट पास विधेयक पास कराना होगा ये भी है ना मैं सिर्फ एक 30 सेकंड लूंगा मुझे लगता है कि ये वोट ऑन अकाउंट लाने की नियत नहीं है ये एक पॉपुलिस्ट बजट लेके आना चाहते हैं और मैं आपको एक सिर्फ तो आप तो अच्छी बात नहीं है नहीं 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 फायदा है अगर नहीं अमन जी और वो पैसा की भरपाई कैसे होगी कि जिस तरह से आरबीआई के गवर्नर को हटाया गया है 3,64,000 करोड़ आरबीआई से लेने की और उसी मंचा पॉपुलिस्ट बजट क्या अगर बीजेपी पेश करती तो वो पहली पार्टी है सर 2014 में सुनिए 2014 में जब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तब उन्होंने कस्टम ड्यूटीज में चेंज किया वो उनका वोट ऑन अकाउंट था मैं आपको बता रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस छेड़ा गया अब सारी सरकारें करती हैं अगर अगर आप डोल आउट कर रहे हो सिर्फ 2019 के इलेक्शन पे लेकर के और उस रुपए को जो आरबीआई की खजाने में है उस रुपए का वोट ऑन अकाउंट पे राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि जो भी इंटरिम बजट में अभी मिलेगा हाँ। वो 31 मार्च तक खर्च करना हमें लाजमी है जो कि नामुमकिन है फरवरी में अगर आप पैसे देते हैं वो 31 मार्च तक नहीं स्पेंड हो सकते हैं हाँ। तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट में जैसे जनरल साहब ने कहा कि कैपिटल अकाउंट में पैसा कम है मॉडर्नाइजेशन के लिए आधुनिकता के लिए पैसा कम है आज दे भी देंगे तो दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता राष्ट्रीय सुरक्षा मैं एक जनता से रिलेटेड बात करना चाहूंगा जल्दी से मैं फिर यहां पर आ रहा हूं मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए बजट में सरकार को अधिकार है बजट के देश के हित में और देशवासियों के हित में जो अच्छी चीज हो सके करे लेकिन मैं इस चीज का ध्यान रखते हुए कह रहा हूं कि जो कोई भी इस चीज करेंगे वो प्रोडक्टिव यूज के लिए होगा नॉन इन्फ्लेटरी होगा ताकि इन्फ्लेशन की वजह से देश की जनता पे करती है वो कम से कम सरकार से पे करे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वोट ऑन अकाउंट में अगर ये कुछ टैक्सेशन कंसेशन दे देते हैं तो जनता का फायदा ही फायदा अगर वित्त विधेयक पास कराना होगा मैं उस पे आगे आ रहा हूं कल को इनकंबेंट गवर्नमेंट कोई और आती है वो लागू क्या वो टैक्सेशन के विड्रॉ कर पाएंगे अच्छी बात है मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ बहुत सारी बातें हो गई है मैं हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर थोड़ी सी बात
पूछना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये आप आयुष्मान योजना जो है, ये सब जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा वर्ग है वो मिडिल क्लास है हमारी इकोनॉमी में, तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? बीमारी जो है वो आपसे पूछेंगे, आप गरीब हैं, चलिए आपके पास चली जाती हूँ, आपके पास आयुष्मान में तो नेट बहुत बड़ा है, हमारे 50 करोड़ परिवारों को मिलेगा 5 लाख तक, वो उसमें कवर है, मिडिल क्लास आयुष्मान भारत में मेरे ख्याल से कवर है। नो इट इज फॉर द पुअर क्लास। दुनिया में ये पूरे हर कंट्री में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, यहाँ तो सरकार इतने बड़े स्कीम जो है ये अपने आप में एक केस स्टडी है। ये 50 करोड़ लोगों को जिनको आज तक ये अधिकार नहीं था कि किसी अच्छे अस्पताल में जाके इलाज करें, उनको अस्पताल में इलाज करने का मौका मिला। अच्छा मुझे वाइंड अप करना, मेरे पास अपना टाइम खत्म हो गया। आज भी है किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, नहीं मिल और नहीं इस कुमू का पता, आज भी गांव के लोग, गरीब लोग गांव में ही मर रहे हैं, किसी अस्पताल में नहीं जा सकते। कार्ड घर तक पहुंच गया है, मेरे पास रिकॉर्ड है, घर घर तक जो इस 50 करोड़ इसमें तो फिर गिना दिए जाते हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड तक कार्ड है, और जिसको नहीं उसके लिए। चलिए बजट बाजार, बहुत बहुत शुक्रिया सर जीतेन भाई, समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जिसके पास आ पाया नहीं आ पाया, लेकिन ये बजट बाजार कल भी बैठेगा, क्योंकि कल बजट पेश किया जाएगा, ये अंतरिम बजट है, मैं आपको बार बार बता रहे हैं, ये वोट ऑन अकाउंट है जिसको लेखानुदान कहा जाता है, यानी कि सरकार चुनाव होने तक का खर्चे का हिसाब किताब करती है 3 से 4 महीने का, लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ी घोषणाएं हो सकती है, टैक्स बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, और क्योंकि 2019 लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये बजट है, इसलिए कुछ लोक लुभावन वादे या फिर लोक लुभावन ऐलान किए जा सकते हैं।